नमस्कार दोस्तों, आप देखा टेक्निकल सिवा दोस्त चैनल, आपका दोस्त सिवा। इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आप पर भी एक ऐसा मेल आया यू नीड टू वेरीफाई आइडेंटिटी, यानी आपका चैनल वेरीफाई करने के लिए आपको कोई प्रूफ देना है। जैसे आप उसमें पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं या पासवर्ड दे सकते हैं। एक दो प्रूफ और लगता है जो कि आप देख के वेरीफाई चैनल कर सकते हैं। उसके बाद आपको गूगल पिन आता है। तो इस वीडियो में, इसी टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, स्टेप बाई स्टेप बताएंगे कैसे आपको वेरीफाई करना है। इस वीडियो में हम पैन कार्ड से आपको वेरीफाई चैनल करके दिखलाएंगे, आपको लाइव प्रूफ देखने को मिलेगा। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं चैनल को। तो चलिए चलते हैं उस प्रोसेस की ओर और आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। दोस्तों, आपको भी एक ऐसा मेल मिलेगा जिस मेल पे लिखा होगा यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। यहाँ पे आप वेरीफाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ पे दे सकते हैं। तो बट यहाँ से हम नहीं देंगे, आप क्रोम ब्राउज़र से देंगे। बस यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसी पेज पर जाएंगे जहाँ से क्रोम ब्राउज़र से जाते हैं, यानी आप एडसेंस लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ से चलिए हम आपको दिखला देते हैं। वहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह कुछ इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे कुछ प्रूफ देना होता है। पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस सकते हैं और भी दो तीन डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अपलोड पे आपको क्लिक करना है, वहाँ पे जो भी फोटो आपका है उस डाटा का वहाँ पर आपको कैप्चर करके सबमिट कर देना। बट यहाँ से हम नहीं करेंगे, क्रोम ब्राउज़र से करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइप करना अपने एडसेंस लॉगिंग। लॉगिंग करने के बाद आपको हम इसमें स्टेप बाई स्टेप बताने वाले हैं। तो आपको क्रोम ब्राउज़र में ऐसे सर्च कर देना है। सर्च करने में आपको थोड़ा जूमिंग करना है, तो जूमिंग करके आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। यहाँ आपको पहले डेस्कटॉप सेट कर देना, इससे यह होगा पीसी की जैसे आपका इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको एडसेंस लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा प्रोसेस लेगा, नेट स्लो रहेगा तो हमारे फ़ोन का नेट स्लो हो, इसी को जैसे अभी लोडिंग ले रहा है तो कुछ समय वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह इंटरफेस कुछ ओपन होगा, तो अभी होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे मनी दिख जाएगा, कितना आपके मनी बन गए हैं। आपका 10 से प्लस अगर हो जाता है डॉलर तो फिर आपको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक देख सकते हैं बत्ती जैसे दिखता है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करना आपको ऐसे इंटरफेस मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ छोटा है तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। बट आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा ऊपर इंटरफेस दिखेगा, इसको जूम करके देख सकते हैं। उस पर ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद इस तरह इंटरफेस खोल जाएगा जहाँ से आप वहाँ से आए थे मेल द्वारा, वही प्रोसेस यहाँ से भी होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट वहाँ से भी आ सकते हैं, कोई नो डाउट। बट यहाँ से हम आपको आए क्योंकि आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फोटो जो भी आपको डॉक्यूमेंट है उसको खींच लेना है बढ़िया से, उसमें कहीं कटा फिटा मत हो, जो भी उसका कोना हो पूरा चारों कोना आया हो। यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है यहाँ से डाउनलोड से ले सकते हैं। तो हम चलिए उसको क्लिक करते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधे गैलरी में। वहाँ से फोटो उस डॉक्यूमेंट का खींच रहेंगे, गैलरी में जाने के बाद उस फोटो को ले लेना है। तो हम लोग आ गए अपने गैलरी में, यहाँ से देख सकते हैं मेरा पैन कार्ड का फोटो कॉपी यहाँ पे दिख जाएगा, उसको हम लेंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा दिख रहा है, वहाँ उसको क्रॉस करके कट नहीं किए। तो यहाँ से हम इसको दिखा देते, बस ऐसे आएगा, लेकिन आपको उसको कट करना है। तो कट करने के लिए भी हम बताएंगे कैसे आपको कट करना है। तो यहाँ पे अभी लोडिंग ले रहा है तो कुछ समय वेट करते हैं, तो कुछ समय और वेट करते हैं, कभी नेट स्लो होने की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह फ़ोटो यहाँ पे थोड़ा छोटा दिखेगा, तो आपको अच्छा नहीं दिखेगा, और मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बट आप चाहे तो इसको क्रॉस करके और अच्छा बेहतरीन दिखा सकते हैं, और आपका साफ दिखेगा जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा। तो यहाँ से हम आपको बैक आते हैं। चलिए बैक आके एक एप्लीकेशन के द्वारा से उसको हम क्रॉस करके और पूरा बड़ा दिखलाते हैं। यहाँ पे पिक्चर लेप आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, यहाँ से आपको जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उस डॉक्यूमेंट को आपको सिलेक्ट कर लेना, उसको क्रॉस करके आपको कट कर देना है। जो बेसिक पार्ट है उसको रखना है, और जो मतलब बेकार है उसको कट करके रिमूव कर देना है, जिससे आपका डॉक्यूमेंट बड़ा चौड़ा दिखेगा और क्लियर दिखेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं चारों कोना एकदम क्लियर है, और उसके बाद जो भी है चारों कोना आना चाहिए, और जो भी बेकार है बगल का उसको हम क्रॉस कर देते हैं और रिमूव कर देते हैं, जिससे आपका जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा एकदम क्लियर दिखेगा। यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे कर देना है, उसको आपको सही वाला ट्रिक पे क्लिक कर देना। जो भी एक यूट्यूबर होगा आपको इजीली मालूम होगा, थंबनेल बनाने के ते समय ये एप्लीकेशन को यूज किया जाता है, जिसका पिक्चर लेप नाम है। तो उसके बाद यहाँ पे करने के बाद आपको सही वाला ट्रिक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे आपका एक कट आ जाएगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ये हमको डिलीट कर देना, डिलीट वाला आइकन पे जाकर इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं इसी डॉक्यूमेंट को हम वहाँ पर अपलोड करने वाले हैं, इस तरह आएगा तो अच्छा दिखेगा।
तो इसके बाद आपको फिर से क्रोम ब्राउजर में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कट वाला ऑप्शन दिखेगा, कट करके फिर से अपलोड पे क्लिक करना है और इस फोटो को आपको अपलोड करना है जो भी आपका यह डॉक्यूमेंट था। तो यहाँ से आपको गैलरी में चले जाना और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सबसे पहले और इसको अपलोड करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे अपलोड होने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट रहेगा एकदम क्लियर दिखेगा, तो अच्छा दिखेगा और बेहतरीन रहेगा। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना, सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका यह वेरीफाई हो जाएगा, कुछ समय बाद आपको मेल भी चलाएगा। तो देखिए यह प्रोसेस हो गया। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, कमेंट में बता दें और चैनल पर पहला बार आया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल से रिलेटेड जानकारी मिलती है। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।